मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मध्य प्रदेश आज शाम की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में आज 2857 नए पॉजिटिव एक्टिव केस, 10,000 पार, इन जिलों में बिगड़े हालत, सीएम का बड़ा बयान। आपको बता दें, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2857 केस आए हैं। इसके साथ राज्य में कुल एक्टिव केसों की संख्या 10,987 हो गई है। वर्तमान में कोरोना की संक्रमण दर 4% और रिकवरी रेट 97.80% है। सोमवार को प्रदेश में 79,023 टेस्ट हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरियंट के चलते आई कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने और हानि को कम करने के लिए सभी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। संक्रमितों की पहचान के लिए टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। आज 11 जनवरी 2022 को आए 2857 नए केसों में सबसे ज़्यादा 948 इंदौर मिले हैं। भोपाल में 562 केस मिले हैं। ग्वालियर में 333, जबलपुर में 242, उज्जैन में 124 और उमरिया में 19, खरगोन में 25 और होशंगाबाद में 24 नए संक्रमित मिले हैं। बाकी अन्य जिलों में से सामने आए हैं। प्रदेश के अब 50 जिलों में संक्रमण फैल चुका है। अब सिर्फ मंडला और पन्ना दो जिलों में अभी एक्टिव केस नहीं है। इधर कमलनाथ के एसओडी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उन्हें भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण की समीक्षा करते हुए कहा कि अभी 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू लगा है। कक्षा 1 से 8 में प्रतिबंध लगाने के बारे में बाद में निर्णय लिया जाएगा। कोविड केयर सेंटर सक्रियता से कार्य करें। 16 जनवरी को 15 से 18 वर्ष के बच्चों के साथ 100% वैक्सीनेशन की रिपोर्ट दी जाए। जहाँ स्थिति ठीक नहीं है वहाँ 100% सुधार है। 25% फसलों के नुकसान पर मिलेगी किसानों को सहायता। आपको बता दें, बीते एक सप्ताह से मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से करीब 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी की फसलें प्रभावित हुई है। सरकार राजस्व परिपत्र पुस्तक के अनुसार सहायता राशि किसानों को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है, मगर ये सहायता उन किसानों को मिलेगी जिनकी फसल को कम से कम 25% नुकसान हुआ है, जबकि 50% से अधिक क्षति होने पर 100% नुकसान मन का सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को वर्षा आधारित फसल के लिए प्रति हेक्टेयर 5 से 16,000 रुपये और सिंचित फसल होने पर प्रति हेक्टेयर 9 से 30,000 रुपये की राहत राशि मिलेगी। मध्य प्रदेश के स्कूलों को बंद करने को लेकर क्या बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के स्कूलों और छात्रों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि स्कूलों को लेकर स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा की। अभी बच्चों और पालकों के हितों को देखते हुए सभी निर्णय लिए जा रहे हैं। अगर स्थिति गंभीर हुई तो तत्काल निर्णय लिए जाएंगे। आपको बता दें, आज मंगलवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरियंट के चलते कई कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला करने और हानि को कम करने के लिए सभी तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल है। संक्रमितों की पहचान के लिए टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं। 12 जनवरी के रोजगार मेले और सूर्य नमस्कार में COVID-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि मध्य प्रदेश के स्कूल फिलहाल बंद नहीं होंगे। सभी क्लासेस 50% क्षमता के साथ संचालित की जाएगी। स्कूलों को बंद करने का फैसला आने वाले दिनों में समीक्षा बैठक के बाद लिया जाएगा और स्थिति के अनुसार और अधिक प्रतिबंध लगाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। टीचर रिक्वायरमेंट 2022, 32,000 पदों पर भर्ती शुरू। आपको बता दें, राजस्थान के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। राजस्थान के स्कूल शिक्षा विभाग ने राजस्थान अध्यापक पात्रता 2021 से पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षकों के 32,000 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके आवेदन की प्रक्रिया 10 जनवरी 2022 सोमवार शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 9 फरवरी 2022 है। संभावना है कि इन सभी को मार्च या अप्रैल तक नियुक्ति दी जा सकती है। कोरोना के मामलों ने बढ़ाई चिंता, पीएम गुरुवार को करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। आपको बता दें, देश में बढ़ते कोरोना के मामले के मद्देनजर पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। बता दें कि अत्यधिक संक्रमण वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नए सिरे से प्रतिबंध लगाए गए हैं। रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएम मोदी ने जिला स्तर पर पर्याप्त स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करने और मिशन मोड में किशोरों के लिए टीकाकरण अभियान को तेज करने का आह्वान किया था। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में इस महामारी के फैलने के बाद से मुख्यमंत्री के साथ कई बैठकें ली है। इन 5 राज्यों में कोरोना बढ़ाई चिंता। देश के 5 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में 33,470 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 19,286 केस, दिल्ली में 19,166, तमिलनाडु में 13,990 और कर्नाटक में 11,698 मरीज मिले हैं। हालांकि देश भर के कुल मरीजों में
58.08% केस सिर्फ 5 राज्यों से हैं, जबकि अकेले महाराष्ट्र में 19.92% केस हैं। पीएम मोदी ने अचानक बुलाई सीएम की भेंट, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद देश में प्रतिबंधों की ओर कड़े किए जा सकते हैं। संभव है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय पीएम मोदी ही लेंगे। बता दें कि नई दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। देश में आज 168,000 कोरोना के आंकड़े। आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के 168,000 नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि सोमवार को 179,000 मामले सामने आए थे और 140 की मौत हुई थी। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 821,440 को पार कर गई है। वहीं वैक्सीनेशन का आंकड़ा 152 करोड़ को पार कर गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस का दैनिक पॉजिटिव रेट अब 10.64% है। ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 4,461 हो गई है, जिसमें से 1,711 मरीज डिस्चार्ज हो गए हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।